ज्योति अनुमान के लिए जिसने जलाई ज्योति अनुमान के लिए और खाई घास की रोटी हर जवान के लिए और खाई घास की रोटी हर जवान के लिए जिसने भोजन टुकराया जिसने भोजन टुकराया जिसने नाशीस झुकाया जिसने भोजन टुकराया जिसने नाशीस झुकाया स्वाभिमान के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस प्रताप के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस मेवाड़ के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस दहाड़ के लिए जब याद हमें है आती देखो वो हल्दी घाटी जब याद हमें है आती देखो वो हल्दी घाटी मुगलों के वार को सह गई चेतक की वो छाती जब याद हमें है आती देखो वो हल्दी घाटी मुगलों के वार को सह गई चेतक की वो छाती घोड़े ने जान गवाई घोड़े ने जान गवाई चेतक ने जान गवाई घोड़े ने जान गवाई चेतक ने जान गवाई उस विश्वास के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस प्रताप के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस मेवाड़ के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस दहाड़ के लिए केसरिया मान बढ़ाया जिसे अकबर झुका न पाया केसरिया मान बढ़ाया जिसे अकबर झुका न पाया मेवाड़ी खून बहाया जय एक लिंग है गाया मेवाड़ी खून बहाया जय एक लिंग है गाया जिसने ना दूध लजाया जिसने दिल्ली ठुकराया जिसने ना दूध लजाया जिसने दिल्ली ठुकराया उस महान के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस प्रताप के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस मेवाड़ के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस दहाड़ के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस प्रताप के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है स्वाभिमान के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस दहाड़ के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है उस मेवाड़ के वाह वाह बहुत बढ़िया एक 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 अरे अरे मित्रों एक रचना बिल्कुल नई रचना आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनको जाना है आराम से चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कविता का मापदंड यह नहीं होता कि कितने अधिक लोगों ने कितनी देर तक सुना कविता का मापदंड यह होता है कितने कम लोगों ने कितनी गहराई से सुना निवेदन चाहता हूँ स्वागत एक गीत आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ देश में प्रतिवर्ष कई बच्चियां माँ के गर्भ में इसलिए मरवा दी जाती है क्योंकि माँ के अंदर पल रहा बच्चा कन्या शिशु होता है जब उस कन्या को माता या पिता द्वारा मरवाया जाता है तो वो कन्या भ्रूण अपनी माँ से क्या कहता है निवेदन चाहता हूँ स्वागत मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ मैं भी तो सावन सुहाना यू ना मुझको मार माँ मैं भी तो सावन सुहाना यू ना मुझको मार माँ जन्म जन्म से प्यासी कोखे
जन्म जन्म से प्यासी को खे करती है पुकार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो सावन सुहाना यू ना मुझको मार माँ। पंक्तियाँ देखें मित्रों, स्वागत। मेरा बचपन तूने माता ऐसे क्यों भुला दिया, क्या बात? मेरा बचपन तूने माता ऐसे क्यों भुला दिया, मुरझा हुआ ये फूल चमन में ऐसे क्यों खिला दिया, मुरझा हुआ ये फूल चमन में ऐसे क्यों खिला दिया। मैं दुखिया री ऐसी अभागिन, मैं दुखिया री ऐसी अभागिन, तू ही मुझको तार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो सावन सुहाना यू ना मुझको मार, क्या बात, मैं भी तो आंगन का फूल हूँ ऐसे मुझको ना फेंको, मैं भी तो आंगन का फूल हूँ ऐसे मुझको ना फेंको, गलियारों की धूल हो जैसे अब तो ऐसे ना देखो, गलियारों की धूल हो जैसे अब तो ऐसे ना देखो, सावन की ये प्यासी बदली, सावन की ये प्यासी बदली करती है पुकार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो सावन सुहाना यू ना मुझको मार माँ। क्या बात। और गीत की अंतिम पंक्ति है जिसके लिए कविता की रचना हुई कि ऐसा होता रहा अगर तो राखिया रह जाएगी, क्या बात है बाप। ऐसा होता रहा अगर तो राखिया रह जाएगी और भाइयों की ये कलाई सुनी ही रह जाएगी, और भाइयों की ये कलाई सुनी ही रह जाएगी, ऐसा होता रहा अगर तो राखिया रह जाएगी और भाइयों की ये कलाई सुनी ही रह जाएगी, कौन पन्ना धाय बनेगी पद्मिनी ना कहलाएगी, कौन पन्ना धाय बनेगी पद्मिनी ना कहलाएगी, और कौन वीरता के वीरोचित गुणों को गाएगी, और कौन वीरता के वीरोचित गुणों को गाएगी, कैसे कैसे ख्वाब सजाए, कैसे कैसे ख्वाब सजाए बहना बार बार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो हूँ तेरी बिटिया तू है मेरा प्यार माँ, मैं भी तो सावन सुहाना यू ना मुझको मार माँ। वाह 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 वाह, बहुत शानदार संदेश भाई दीपक जी ने हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों फिर चलते हैं बड़नगर और बुलाते हैं भाई तेजपाल जी तेजा को कि वे आए और थोड़ा आपको हंसाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सारे